तो गाइस ये बताते हुए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा काम और मैं एंड राहुल सर हमेशा काम बच्चों के रिएक्शन को देख के ही करते हैं। तो फाइनली आप सभी को पता है कि मैंने एक नया सीरीज लाया था 12th वाले बच्चों के लिए, और लाने के पीछे का रीजन ये था कि हम बच्चों को पहले ही जो चीज बच्चे लास्ट में इधर उधर भागते दौड़ते हैं ना, उनको पहले से ये चीजें बता दे कि हर चैप्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर होते हैं उन चैप्टर के अंदर क्या चीजें किस तरह से इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से करना है। और हर चैप्टर की ये चीजें हम लाए जो शॉर्ट एनालिसिस, जो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो मैंने वो प्लान किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। टोटल 3 चैप्टर के तो मैं ला भी चुका था, और बाकी टीचर से भी मैंने बात कर लिया था, बाकी टीचर्स भी लेके आने वाले थे और चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। बट गाइस मैं इतने दिनों से एक चीज देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बच्चों ने एक दो वीडियो बहुत प्यार से देखे, इवन शेयर भी किया, बट बाद में मैं देख रहा हूँ बच्चों का जो रिएक्शन है उतना उस वीडियोस पे नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को शॉर्ट एनालिसिस वाले वीडियोस नहीं चाहिए, और इसीलिए फाइनली शॉर्ट एनालिसिस वाले वीडियो हमें लगता है कि हमें बंद करना पड़ेगा। देखो गाइस ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स वीडियो डाला हुआ है, बट हमें ऐसा लगता था कि शॉर्ट एनालिसिस वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आगे जाके आपको फील भी होगा, समझ में भी आएगा कि ये चीज सर कब कर रहे थे पता है, बहुत पहले मई में ही कर रहे थे, और अगर उस समय वो चीजें हमें मिल गई होती तो जो ये चीजें अभी हम कर रहे हैं ना कि क्या उसमें जरूरी है, उसको कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, वो पहले ही हमें पता चल जाता तो कितना ज्यादा हमारा हेल्प होता। बट मैं रिएक्शन जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इतना वो जरूरी नहीं है, इसीलिए शॉर्ट है ना। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितने बच्चे देख भी रहे हैं वो भी वीडियोज को अपने ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं। एनालिटिकल पे ये चीजें हमें दिखती है, एनालिटिकल पे हम देख रहे हैं कि बच्चे का रिएक्शन उस तरह से नहीं मिल रहा है। मैंने आप सभी से बोला था कि जितना आप रिएक्शन दिखाओगे उतना हमारा काम करने में और मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हम ही ये चैनल है जिसमें ऑफलाइन बैच में कंटिन्यू इतने बैचेस हैं हमारे ऑफलाइन में, इसके बाद भी हम इंजीनियरिंग वाले चैनल पे, डिप्लोमा वाले चैनल पे, बीएससी वाले चैनल पे, 10th स्टैंडर्ड आप भी हमसे पढ़े हो आपको पता है, 11th में हम लेक्चर बनाते हैं, 10th में बनाते हैं, 9th में बनाते हैं, 8th पे, इतना सब करने के बाद हमारी जो हमारा है हमारे अंदर जो एनर्जी होता है ना वो आपसे ही हमें मिलता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ही हमारे एनर्जी ड्रिंक को, अगर आपकी तरफ से रिएक्शन मिलता है ना तो हमें दिन रात काम करने का मन करता है, बट अगर वो रिएक्शन नहीं मिलता ना तो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बुरा लगता है और फील होता है ना, और कहीं ना कहीं वो काम से हमारी दूरियां धीरे धीरे बन जाती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट एनालिसिस वीडियो कंटिन्यू रहे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके हर ग्रुप में सब जगह शेयर करो। आप चाहते हैं कि ये सीरीज में कंटिन्यू रखूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है हर जगह तक पहुंचाओ लोगों तक, क्योंकि मेरा जो मोटो है कि सभी बच्चों तक पहुंचेगा तो ही मुझे काम करने मजा आएगा। पता चला जो चीज मैं कर रहा हूँ वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो फिर मुझे भी काम करने में वो जो फीलिंग है ना वो नहीं आएगी। गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने बच्चे अपने प्रदीप सर, राहुल सर को फॉलो करते हैं वो हर ग्रुप में हर जगह शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक बताए, जिससे क्या होगा हमें भी काम करने मजा आएगा और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। नहीं तो मैं ये सीरीज को जकी देखो मैं हो सकता है एक बार थोड़ा कर लूँ, पर बाकी टीचर्स इतना नहीं करेंगे क्योंकि सभी के पास इतना ज्यादा काम है। जब आपका रिएक्शन दिखेगा, आप वीडियो जब आता है तो उसके नीचे कमेंट करो, लोगों तक पहुंचाओ, वीडियोस को शेयर करो, जिससे क्या होगा मोटिवेशन, हर बच्चा जैसे मैं आपके लिए लॉयल हूँ आपकी तरफ से वही लॉयल्टी दिखनी चाहिए कि हाँ सर आप बढ़ो आगे, हम आपके लिए खड़े हैं, पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। तो इस तरह से अगर वो एनर्जी दिखेगी तो गाइस हमें भी थोड़ा मजा आएगा। और मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बड़े भाई एंड दोस्त के नाते, आपके लिए बहुत अच्छा सीरीज लाया, और इसके बाद मैं एक और सीरीज लाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज की चीजें लेके आऊँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँ। बट गाइस सब चीजें मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, आपका रिएक्शन क्या होगा वैसे हम एक्शन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।